नमस्कार संजू के किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत टेस्टी सी हम बनाएंगे मैक्रोनी पास्ता। ये ले लिया हमने 2 कप मैक्रोनी, कोई भी शेप का पास्ता मैक्रोनी ले सकते हैं आप। और इसको बनाने के लिए हमने ये 2 कप ली है, आपने जितना क्वांटिटी में बनाना चाहे उतने ले लें। इन्हें साफ कर लिया है और इधर हमने एक बड़े बर्तन में 1.5 लीटर पानी रख दिया है, जिसमें हमारी मैक्रोनी जो है अच्छे से बॉयल हो सके। और इसमें हमने 1/2 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और कुछ ये हमने सब्जी वेज रख लिए हैं, उनको धुल के साफ कर लिए हैं। इन्हें कट कर लेती हूँ और ये हमारा पानी गर्म हो गया है, तभी इसमें हम मैक्रोनी को ऐड करेंगे। डाल देती हूँ, एक बार इन्हें चला देती हूँ, हिला देती हूँ और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल इसलिए डालेंगे जो हमारी मैक्रोनी पक के तैयार होंगी तो ये खिली खिली सी बनेंगी। ये हमने चला दिया है, अब इसे ढक के रख देंगे और बीच बीच में इसे 1-2 बार चला देंगे कि चिपके ना। ये वेज हमने कट करके रख लिया, जिसमें टमाटर, शिमला और ऑनियन यानी प्याज रख लिया। और ये देखते हैं कैसी बॉयल होके तैयार हो गई हैं। ये गर्म है, इसे बहुत ही आसानी से हमको चेक करना है। इस तरीके से तोड़ते हैं तो आसानी से ये टूट रही है। ये हमारी अच्छी सी बॉयल होके तैयार हो गई मैक्रोनी। अब इसे हम छान लेंगे, यानी एक कोई बड़ा सा स्ट्रेनर ले लेंगे जिसमें हम आसानी से इसे छान सकते हैं और ये आ सकती पूरी। और ये हमने रख छान दिए हैं, जो गर्म पानी था सारा निकल गया। उस पर हम ठंडा पानी चिल वाटर डालेंगे, इससे क्या होगा ये चिपकेंगी नहीं और जल्दी से ये ठंडी हो जाएंगी। इस तरह से हिला देंगे तो ये जितना पानी और एक्स्ट्रा होगा वो भी निकल जाएगा। अब इसे कलछी की मदद से, हाथ बिल्कुल नहीं लगाइएगा क्योंकि अभी गर्म है, और इस तरीके से कलछी से फैला देना है। अब इसे 1-2 बार बीच में हिला देना है। और ये हमने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में डाल दिया ऑयल और बहुत ही सिंपली सी बनेंगी ये, बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ मसाले इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बच्चे को खाना है तो ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं डालनी है। हम तो बिल्कुल मिर्ची नहीं डाले हैं, आप लोगों को तीखा पसंद है तो मिर्ची ज़्यादा डाल दीजिएगा। ये हमने जीरा 1 चम्मच डाल दिया, जब तेल हमारा गर्म हो गया है और जीरे को भून लिया है। इसके बाद हमने ऑनियन डालेंगे, जो हमने प्याज कट करके रख लिया था। इसे हल्का सा पकाएंगे, बहुत हमें रोस्ट नहीं करना होता, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, ये पक जाना चाहिए, यानी रोस्ट हल्का सा हो जाना चाहिए। इस तरीके से जब ये पक जाता है तो इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। इससे भी हम भून लेंगे, ये हल्दी हमारी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, पका देना चाहिए अच्छे से। और बाकी की सब्जियां हम डाल देंगे जो है शिमला मिर्च, और इसे भी पका लेती हूँ। और इसमें हम डालेंगे टमाटर। सब्जियों को हमको ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा कुक करना है। इस तरह से चला देंगे और इसमें हम डाल दें, और मैक्रोनी में हमने नमक डाला है तो इसे उसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें सब्जियों में जो वेज हैं इस पका रही हूँ उसमें थोड़ा सा नमक उसी हिसाब से डालना चाहिए, स्वाद के अनुसार। इतना नहीं डालना चाहिए कि ज़्यादा नमक हो जाए। अब इस तरह चला देंगे और इसको हम ढक के कुछ मिनट के लिए पका देंगे तो ये हमारी सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए, अब मिलते हैं कुछ मिनट के बाद। और तब तक हम ये मैगी मसाला ले लिया, ये जो मैगी वगैरह आती है उनमें निकलता है वो मसाला इसमें सिर्फ डालेंगे और हम कोई भी मसाला इसमें नहीं ऐड करेंगे। इसे कट कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। ये 1 पैकेट ही हमने मसाला डालेंगे इसमें। देखिए 1 कटोरी, ये 1 कप 2 कप मैक्रोनी के लिए काफ़ी है, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 1 ही पैकेट डालें। अगर आप बड़े हैं तो बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप 2 पैकेट डाल लीजिएगा। और इसको चला देंगे, देखिए हमारी सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है, पक गई। इन्हें गलाना नहीं है, मतलब ये टूटनी नहीं चाहिए, टूटी जाएंगी तो इसको स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे, मैक्रोनी डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए अब इसे मिला लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मसाला भी ऐड कर दूंगी। और मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मेरा मसाला यही रहेगा, एक पैकेट मैगी का मसाला बस, और हमने कोई मसाले इसमें ऐड नहीं किए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी सी बनके तैयार हो गई हैं। ये देखिए, अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो जरूर डालिएगा, वरना ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये है टमाटर सॉस, और ये बच्चे पसंद करते हैं तो इसमें डाल, ये ग्रीन सॉस है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, वरना प्लीज़ मत डालिएगा। ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और ये हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है। टेस्टी है, बच्चे इसे आसानी से खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। और ये देखिए, फाइनली इसका लुक इस तरीके का हो गया। अब मैं करती हूँ सर्व, देखिए कितनी यम्मी सी अच्छी सी हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हुई है। अगर आपका खाने का मन है तो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही झटपट से बना के आप अपने बच्चों को खिला सकती हैं। और ये ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, कभी कदार इसको बनाना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक भी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।